नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है एक ऐसे वायरस का प्रेडिक्शन किया गया है। कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन किया हुआ है वायरस का। और अगर हम बात करें भविष्यवाणी की तो उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। और अगर करंट सिनेरियो को हम देखें तो जो यहाँ पे हालत, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर दिख रही है, वो इस तरह के वायरस आ सकते हैं। क्योंकि हम सभी को याद होगा कि 26 दिसंबर 2019 एक ऐसा दिन था जब कोरोना का समय शुरू हुआ था, और उसका जो पेंडेमिक का हम लोगों ने असर देखा था, पूरे वर्ल्ड में देखा था इसे, और लॉकडाउन की भी स्थिति आ गई थी। इस तरह का वायरस अभी तक पूरे हम पूरे जो पिछले जितने भी शतक के हैं वो उसमें ना देखा गया था और ना कभी सुना गया था। अब इसी कड़ी को अगर हम और आगे बढ़ाएं कि क्या कोई ऐसा भी वायरस है जो आने वाले समय में एक्टिव हो जाए, और क्या इसके बारे में भी प्रेडिक्शंस है, तो जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसा वायरस आने वाला है और उसकी जो डेट है वो भी कंफर्म कर दी गई है, उसका जो साल है वो भी कंफर्म हो गया है कि कौन से साल में वो वायरस आएगा। और उसी वीडियो को बताने के लिए मैं आज आप लोगों को आपके सामने आई हुई हूँ कि आने वाला जो 2026 का जो समय है उसमें एक ऐसा डेंजरस वायरस आने वाला है जो कि कोरोना से कई गुना घातक होगा और बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना में लोग बाहर निकलने के बारे में एक बार सोचते भी थे, लेकिन एक ऐसा वायरस आने वाला है 2026 में, 12 अगस्त 2026, 12 अगस्त 2026 की मैं बात कर रही हूँ, उस समय एक ऐसा वायरस आने वाला है जिसके कारण लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। अब ऐसा कौन सा वायरस आने वाला है, ये बहुत सारे लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि जॉब में वायरस हो, या फिर मंकी पॉक्स है, या डिजीज एक्स की बात की जाए उसकी बातें कर रहे हैं, या कोरोना का ही नया वेरिएंट आने वाला है। तो आज उन सभी चीजों से मैं आप लोगों को यहाँ पे अवगत कराना चाहूंगी कि आने वाला जो समय है उसमें किस तरह का वायरस आ सकता है और हमें किस तरह की प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह के बचाव रखने चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देना चाहूंगी। सबसे पहली चीज जो ये 12 अगस्त है 2026, इसी डेट को क्यों बताया गया है कि इस समय से जो स्थिति है वो बिगड़ना स्टार्ट होगी। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस है जो बन रहे हैं। एक तो ये कहा गया है कि 13th of March 2025 से मीन सनी योग स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब सनी देव जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो कि पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल की स्थिति दिखाएगी। अब 2025 की बात करें तो ये जो ईयर होगा उसमें काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस होंगे, उसमें क्लाइमेट डिजास्टर्स ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम 26 की बात करें, 2026 की, तो भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग और प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा डेंजरस एक वायरस का यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है, और ऐसी महामारी आएगी जो अभी तक किसी ने भी ना सोची होगी और ना देखी होगी। अब इसके बारे में अगर हम भविष्य मालिका की सबसे पहले बात करते हैं, तो भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भविष्य मालिका में लिखा है कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो डॉक्टर्स पे फैलेगी। मतलब
जो डॉक्टर्स लाइफ को सेव करते हैं वो उनके ऊपर अफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर मतलब ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी होना महामारी की वजह से, बहुत सारे डॉक्टर्स की जान जाने लगेगी, और जब उनके ऊपर अटैक होगा तो वे दूसरों को कैसे देख पाएंगे, और उसकी वजह से जो आम जनता है वो भी इसके चपेट में आ जाएगी। इसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि इस तरह की प्रेडिक्शंस भी वहां पे लिखी हुई है। अगले प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि लोग इतने ज्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। लॉकडाउन का समय हमने फेस किया हुआ है कि लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना काल में 2019 की बात करूंगी, उस समय जब स्टार्ट हुआ था कोरोना और उसके बाद उसका जब हमने पीक टाइम देखा था उस समय लोगों को सच में अपने घरों में बंद होना पड़ा था, लेकिन एक ऐसा डिजीज या वायरस आने वाला है जिसके कारण लोगों को घर में बंद होना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फेज होगा उस समय। अब इसके बारे में जॉम्बी वायरस को भी लिया जा रहा है, कई लोग एस्ट्रोलॉजिकली ये भी कह रहे हैं कि इस समय बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो केतु ग्रह है, प्लैनेट है उसके मतलब वो हमारे जो जीवन में होता है उसमें अफेक्ट करता है आम लोगों का। तो केतु में बहुत सारे प्लैनेट्स उस समय होंगे और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है उस समय 12 अगस्त 2026 को जिसमें एक लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, फिर से वही लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है ऐसे क्लाइमेट चेंजेस तो ऑलरेडी हम सभी फेस कर ही रहे हैं और उसके बाद इस तरह की वायरस आना, यानी कि हो सकता है जो फूड है फूड के जरिए आ जाए, क्योंकि ऐसा भी कई एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं पहले से ही कि ये जो पैंडेमिक है वो शायद ह्यूमन जनरेटेड होगा और फिर से जहां से कोरोना फैला हुआ है वहीं से फिर से ये बायोलॉजिकल वार कह लीजिए इसे एक तरह से, ये फिर से फैलाने की कोशिश की जाएगी, कोशिश क्या फैलाया जाएगा, और इसमें भी बहुत ही ज्यादा लोगों की जान जाएगी। फूड के जरिए हो सकता है, पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी में वायरस हो सकता है, और सी फूड्स उसमें भी कहा जा रहा है कि वायरस होने की संभावना है। और भविष्यवाणिका में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को नॉनवेज बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर सी फूड से आ रहे हैं जो वायरसेस तो वो उसी से फैलेंगे। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक पहला बचाव भविष्य मालिका की तरफ से उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वेजिटेरियन हो जाना और नाम जप करना, ये उसमें प्रोटेक्शंस में पहले ही दिया गया है कि जो लोग ये चीजें करेंगे उनका जो मतलब आप वे ऑफ लाइफ है वो अकॉर्डिंग टू जो आने वाला समय है उसके अनुसार आप अपने हैबिट्स को ढाल लेते हैं तो आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी लोगों को कि हम किसी को भी अगर जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी को भी मारना भी गलत ही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नॉनवेज अगर आप छोड़ देते हैं और नॉनवेज नहीं खाते तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, और लॉन्ग टर्म में भी देखा जाता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं और जो वेजिटेरियन होते हैं उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे उनकी लाइफ को, तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं
वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता है, वो लोग बहुत ही सात्विक होते हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं, वो हिंसक नहीं होते हैं, वायलेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट का जो होता है वो भी ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखा जाए तो जो वेजिटेरियन है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और भविष्य मालिका में ऑलरेडी ये सारी चीजें लिखी गई है। तो हम सभी लोगों को, अगर आप अभी भी अगर नॉनवेज खाते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि नॉनवेज खाना बंद कर दें और सात्विक जीवन पर आप आ जाइए। पानी को लेकर प्रिडिक्शन है, आप जितना ही साफ पानी अगर बॉईल करके पिए, और जो भी फूड वगैरह बाहर की जंक फूड खा रहे हैं तो उनको निग्लेक्ट कीजिए, अपने हाथों से बने हुए फूड को खाइए, क्योंकि आजकल आप अगर न्यूज भी देखेंगे तो न्यूज में भी ऐसे ऐसी चीजें आ रही है सामने जो अनप्रिडिक्टेबल थी। जैसे कई केसेस अगर हम देखें तो निकल के आए हैं जिसमें फूड में यूरिन मिलाया जा रहा है, फूड में बहुत ही गलत तरीके से जो हार्मफुल चीजें हैं उनको मिलाया जा रहा है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है उनको डाला जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाएगी। तो आप सभी लोग पहले से ही अपने माइंड को जो है मजबूत करके रहे कि 2026 में एक वायरस आएगा जो हम सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि ह्यूमैनिटी कितने नीचे तक जा सकती है, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, और इस तरह की बायोलॉजिकल वार को हम सभी के सामने ला सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।